प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं इस समय यहाँ इन लहरों का आनंद ले रहा हूँ अपने पीछे, और बहुत सुंदर मौसम है, बहुत अच्छी हवा। तो स्वीडन का मौसम बदलता रहता है बार बार, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर जगह है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आप अपना विकास कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच और आपकी समझ ये निरंतर बढ़ती रहे, और वो तब बढ़ती है जब आपके भीतर ज्ञान की प्यास होती है। अगर आपके भीतर की ज्ञान की प्यास मर जाए तो आपका विकास रुक जाता है। जैसे कि ये पानी, अगर इसमें लहरें ना हों, तरंगे ना हों, ये रुका रहे तो ये सड़ जाएगा। ठीक वैसे ही मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि अक्सर जब साधक साधना करता है या गुरु के पास जाता है तो उसे लगता है कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, अब मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये एक भ्रम है। हमेशा हम एक शिष्य हैं, सदैव, भले ही हम गुरु हों या योगी हों, महायोगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपको सीखना है और ग्रहण करते रहना है। और सृष्टि में परिवर्तनशीलता है, सृष्टि में निरंतरता है, सृष्टि बहती है इस जल की तरह। वैसे ही ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक ही वातावरण में रह रहे हैं, एक ही विचारधारा में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। एक अच्छे योगी का ये लक्षण नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने जीवन को, जब आप साधना कर रहे हैं, उसको देखते भी जाए साथ साथ कि कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं आप किसी एक विचारधारा में तो नहीं फंस गए, कहीं आपकी जीवन शैली एक जैसी तो नहीं हो गई। इसलिए बीच बीच में जीवन शैली को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा योगी ये जानता है कि जीवन केवल एक पहलू से नहीं चलता। जीवन में बहुत से भाव हैं, बहुत से आयाम हैं। वो इन सबसे ऊपर उठना चाहता है और कभी इनके बीच में रहना चाहता है, कभी प्रकृति को देखना चाहता है, कभी प्रकृति से उस पार रहना चाहता है। तो इसलिए ज्ञान की जो धारा है, ये जल की धारा जैसे निरंतर बढ़ने वाले, इसमें हमेशा नया जल आसमान से आना चाहिए, बारिश से, बर्फ के पिघलने से, यही तो जीवन है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ना भूलना, परिवर्तन लाना ना भूलना, और ये मत सोचना कि तुमने अब सब कुछ जान लिया है। अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी केवल शुरुआत कीजिए और तब आप धीरे धीरे जान पाएंगे जानने को बहुत कुछ है। इसलिए रुकिए मत, जो ज्ञान आपके पास है उसके अतिरिक्त भी तो ज्ञान है, इसलिए उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। यही मेरा छोटा सा संदेश है आज आपके लिए। आशा है कि आप इसको ज़रूर अमल में लाएंगे और अपने जीवन को उतार कर अपने योगी जीवन को, अपने योगी जीवन को और आगे ले जा पाएंगे। अभी इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।